कुख्यात गैंगस्टर गोगी की जुर्म से कमाई गई 96 लाख रुपए की संपत्ति को कुरक कर दिया गया। यकीनन इतना सुनकर कोई भी चौंक जाएगा और उसके जेहन में जितेंद्र मान उर्फ गोगी की तस्वीर उभरने लगेगी, क्योंकि दिल्ली का गैंगस्टर गोगी बीते साल 24 सितंबर को रोहनी कोर्ट में मार दिया गया था। उसको वकील की ड्रेस में आए शार्प शूटर ने गोलियां मारी थी। खैर अब वापस खबर पर लौटते हैं। दरअसल जिस गैंगस्टर गोगी की संपत्ति कुर्क की गई है, ये वो गैंगस्टर नहीं जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, बल्कि ये गैंगस्टर यूपी के मुजफ्फरनगर का हरदीप उर्फ गोगी है, जो कि गैंगस्टर और शराब माफिया है। बकौल पुलिस, हरदीप उर्फ गोगी ने बीते करीब 13 साल से आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते हुए इस संपत्ति को जुटाया था। हरदीप उर्फ गोगी मुजफ्फरनगर का गैंगस्टर है। हरदीप की हिस्ट्री शीट भी खुली हुई है। साल 2009 से शराब तस्करी से जुड़ा। गोगी के खिलाफ थाने में दर्जन भर मामले दर्ज हैं। जब्त संपत्ति पर सरकारी बोर्ड लगा दिया गया और जब्तीकरण की सूचना गैंगस्टर हरदीप उर्फ गोगी की मां को दी गई। दरअसल योगी सरकार इसी तरह गैंगस्टर पर शिकंजा कस रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।